नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अपना बीएससी पार्ट थर्ड की बात करते हैं, जिसमें अपन क्यूसेंट रिंग के बारे में बता रहे थे। सबसे पहले तो जो अपना टॉपिक चल रहा है बीएससी पार्ट थर्ड की, यूनिट नंबर 4 चल रहा है और अपना आइडियल्स एंड क्यूसेंट रिंग, क्यूसेंट रिंग विभाग वाले। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, वीडियोज को लाइक करें। कंटिन्यू करते हैं, अपन जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें ये यूनिट स्टार्ट किया था। और इस यूनिट के अंदर अपन ने दोस्तों की आइडियल की परिभाषा बताई थी कि गुंजावली क्या होता है। फिर ये बताया था कि भाई प्रत्येक वलय की दो गुंजावलियाँ होती हैं, एक तो खुद की खुद वलय जैसे आर है, तो एक तो आर की आर और एक जीरो, इनको तो बोला जाता है इम्प्रॉपर गुंजावलियाँ, विषम गुंजावलियाँ। और इन दोनों गुंजावलियों के अतिरिक्त अगर कोई तीसरी गुंजावली उपस्थित हो तो उसे बोला जाता है उचित गुंजावली। उसके बाद में अपन ने सरल वलय की परिभाषा देखी थी कि एक ऐसी वलय जिसकी कोई भी प्रॉपर गुंजावली उपस्थित ना हो वो अपना सरल वलय कहलाता है। कुछ एग्जांपल्स के ऊपर अपन ने डिस्कस किया था, उसके आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके, चलो कुछ थ्योरम्स वगैरह अपन देखें। इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने आप में, अच्छा तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहले एग्जांपल है अपना एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 1 तो मैंने करवा दिया था और आपको करने के लिए दे दिया था, उसके कुछ पार्ट थे। एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। देखिएगा, एक अपनी को सेट दे रखा है MZ, MZZ की गुंजावली होती है। मतलब अपनी वलय अगर पूर्णांकों की वलय जेड प्लस टू है तो MZ का मतलब क्या है, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, सारी की सारी जेड की क्या होती हैं, आइडियल्स होती हैं। इसी के ऊपर बेस अपना एक एग्जांपल है लिख रखा है। सिद्ध करो कि MZ, अब MZ में एलिमेंट होंगे वो MX टाइप के एलिमेंट होंगे, और X क्या है भाई, M तो कोई फिक्स इंटीजर है, लिख देते हैं M बराबर फिक्स इंटीजर। M तो कोई फिक्स इंटीजर है और ये Z है भाई, पूर्णांकों का जो सेट है Z, और X जो एलिमेंट है वो पूर्णांकों के सेट में है। बताना मेरे को ये है कि पूर्णांकों की जो वलय होती है वो Z प्लस डॉट उसकी क्या होती है, एक आइडियल होती है। देन प्रूव आपको क्या सिद्ध करना है कि MZ पूर्णांकों की वलय और पूर्णांकों की वलय क्या है, Z की गुंजावली है। कहने का मतलब दोस्तों, अपने कोई एक तो वलय दी है Z प्लस टू जो पूर्णांकों की जो रिंग होती है, रिंग ऑफ इंटीजर्स इसको कहा जाता है, और एक Z का नॉन एम्प्टी सबसेट MZ दिया है, और जो MZ है उसको मेरे को क्या बताना है, कि आइडियल बताना है। MZ को क्या बताना है, गुंजावली बताना है। सबसे पहले तो आप इस एग्जांपल को राइट डाउन कीजिए, फिर अपन इसके सॉल्यूशन पार्ट के ऊपर चलेंगे। ओके, सॉल्यूशन। अब दोस्तों, M भी इंटीजर है, Z भी इंटीजर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि MZ के जो भी एलिमेंट होंगे, MZ है वो किसका सबसेट है, Z का सबसेट है। MZ Z का सबसेट है, और MZ में Z तो आएगा ही आएगा, तो MZ Z का सबसेट है, एंड MZ है वो नॉन एम्प्टी भी है। अरे MZ का मतलब क्या होता है, 2Z हो गया, 3Z हो गया, 4Z हो गया, और Z हो गया, ये सारे MZ के एलिमेंट होते हैं। अब MZ नॉन एम्प्टी है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जब भी अपन आइडियल की बात करते हैं तो अपने पास एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, उस नॉन एम्प्टी सेट के दो एलिमेंट लेते हैं
और सबसे पहले तो सब ग्रुप वाली बात करते हैं और एक अपन लेफ्ट और राइट आइडियल बताते हैं। तो MZ के दो एलिमेंट माननी पड़ेंगे आपको, लेट जैसे मैंने एलिमेंट मान लिए MX1 और MX2, ये दो एलिमेंट है आपने MZ के मान लिए। इस वाले सेट से आपने दो एलिमेंट उठा लिए देन, और आपको पता है कि इस सेट में M तो फिक्स इंटीजर और X इंटीजर होता है, तो यहाँ X1 और X2 बताओ क्या हो गए, दोनों X1 और X2 दोनों इंटीजर हो गए। दोस्तों भाई Z प्लस डॉट वाला है, अपने को बताना है कि सबसे पहले कि ये जो MZ है वो प्लस संक्रिया के साथ में Z प्लस का क्या होता है, सब ग्रुप होता है, और सब ग्रुप प्लस संक्रिया में सब ग्रुप बताना है तो एक होता है अपना सब ग्रुप टेस्ट। क्या होता है, सब ग्रुप टेस्ट। सब ग्रुप टेस्ट क्या बोलता है भाई, जिस भी नॉन एम्प्टी सेट को आपको सब ग्रुप बताना है उसके दो एलिमेंट उठाओ। मान लो कि दो एलिमेंट अल्फा और बीटा, दो एलिमेंट आपने किसके उठाए, MZ के उठाए, तो आप अल्फा माइनस बीटा है वो भी किस में बता दो, MZ में, तो ये अपना सब ग्रुप टेस्ट होता है। अगर मान लो कि MZ में गुणा संक्रिया है तो फिर अल्फा और बीटा दो एलिमेंट MZ के उठाते हैं और अल्फा और दूसरे एलिमेंट का बीटा का जो इन्वर्स है वो MZ में बता दो। ये तो किस में होता है, एडिशन संक्रिया के लिए तो अपना सब ग्रुप टेस्ट ये होता है, और मल्टीप्लिकेशन संक्रिया के लिए अपना सब ग्रुप टेस्ट ये होता है। चलो तो आपको सब ग्रुप टेस्ट लगाना है, सब ग्रुप टेस्ट लगाएंगे तो आप क्या करोगे भाई, पहला एलिमेंट तो अपना MX1 और दूसरा एलिमेंट अपना MX2। पहला एलिमेंट MX1 और दूसरा एलिमेंट MX2, तो पहले एलिमेंट में दूसरे को बैठाया तो M तो बाहर आ गया और ये बना X1 माइनस X2। अब दोस्तों आप एक चीज़ नोट करो कि ये जो भी एलिमेंट बन रहा है वो MZ में बिलोंग करेगा, इस वाले सेट में बिलोंग करेगा। कैसे करेगा, उसका रीज़न ये है बिकॉज भाई MZ में एलिमेंट कैसे आते हैं, इस MZ में कैसे एलिमेंट आते हैं, M तो फिक्स है और जो पीछे वाला एलिमेंट है वो एक इंटीजर होना चाहिए, तो देखो M तो फिक्स है और ये वाला एलिमेंट इंटीजर है। कैसे है, X1 और X2 आपने दो इंटीजर लिए और दोनों इंटीजर्स का जो डिफरेंस होता है वो भी हमेशा क्या होता है, कि इंटीजर होता है। तो X1 और X2 आपने दो इंटीजर लिए और इनका जो डिफरेंस होगा X1 माइनस X2 वो भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, और ये इंटीजर हो गया मतलब ये Z में बिलोंग किया, तो ये पूरा का पूरा MZ में। अतः है MZ प्लस, MZ जो प्लस बना, ये जो सेट है वो प्लस ऑपरेशन के साथ में Z प्लस का सब ग्रुप है। MZ प्लस है वो Z प्लस का क्या है, सब ग्रुप है। जब भी आइडियल की बात करते हैं तो सब ग्रुप अपने को बताना पड़ता है। सेकंड अगर अपन बात करें तो दोस्तों अपने को क्या करना पड़ेगा कि एक बार लेफ्ट आइडियल बताते हैं और राइट आइडियल भी बताते हैं, उसमें एक एलिमेंट तो रिंग का लेते हैं और एक एलिमेंट नॉन एम्प्टी सेट का लेते हैं। अब अपनी जो रिंग है वो तो Z है, पूर्णांकों की वलय है, तो ए एलिमेंट तो आप ले लो किसका, रिंग का ले लो, तो ए एलिमेंट तो ले लो आप इंटीजर, और एक एलिमेंट आप नॉन एम्प्टी सेट का उठाओ और MX एलिमेंट आपने किसका उठाया, MZ का। नाउ अब देखो, एक बार तो क्या करो कि रिंग का एलिमेंट ये है उसको लेफ्ट साइड में रखो, और एक बार क्या करो कि ये तो रिंग का एलिमेंट लेफ्ट साइड में और नॉन एम्प्टी सेट का जो एलिमेंट है वो राइट साइड में, एक बार नॉन एम्प्टी सेट का एलिमेंट तो राइट साइड में और रिंग का एलिमेंट लेफ्ट साइड में, इनको सोल्व करो, और इनको सोल्व करने के बाद में ये किस में बिलोंग करना चाहिए, MZ में बिलोंग करना चाहिए ये जो भी आई। और सबसे पहले अपन एक चीज़ सोचते हैं कि ए एलिमेंट है, ए जो एलिमेंट है वो इंटीजर है, चलो भाई ठीक है, और अच्छा सॉरी यहाँ पे MX एलिमेंट तो MX है ना, MX एलिमेंट उठा है, ए एलिमेंट इंटीजर है, M एक फिक्स इंटीजर है और X एलिमेंट है वो इस थ्रेड में बिलोंग कर रहा है वो भी इंटीजर है, और अपन जानते हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं वो गुणा संक्रिया के लिए सहचर्यता नियम की पालना करते हैं, तो जो डॉट अपना इनके साथ आ रहा है या फिर मान लो कि जो ब्रिकेट यहाँ आ रहा है उस ब्रिकेट को मैंने
ए एम और एक्स लिख दिया। पता है कहाँ से लिखा है? साहचर्यता के नियम से। अब अपने को पता है कि भाई जेड प्लस डॉट है, जेड प्लस डॉट है वो गुणा संक्रिया के लिए क्रम विनिमता नियम की पालना भी करता है। तो क्रम विनिमता नियम की पालना अगर अपन करेंगे तो इसको एम ए लिख दिया और एक्स लिख दिया गुणा संक्रिया के लिए क्रम विनिमता नियम से, और वापस साहचर्यता नियम लगाऊंगा तो एम को आगे निकाल लिया और ए एक्स को पीछे ले लिया। अब एम को आगे निकाल लिया, ए एक्स को पीछे ले लिया, तो बताओ फिर ये एम जेड में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि एम तो फिक्स है, ए भी इंटीजर है, एक्स भी इंटीजर है, दो इंटीजर का जो प्रोडक्ट होता है वो इंटीजर होता है। तो ए एक्स तो कैपिटल जेड में बिलोंग कर गया और एम आगे फिक्स हो गया, मतलब ये जो भी है इसको सोल्व किया तो ये एम जेड में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये तो कौन सी बंटनता है, या रिंग का एलिमेंट लेफ्ट साइड में है तो ये तो है अपना लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, लेफ्ट बंटनता, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, लेफ्ट बंटनता। ऐसे ही दोस्तों अपन राइट बंटनता की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं जो भी अपना साहचर्य नियम होता है गुणा के लिए वो लगाऊंगा तो जो ब्रैकेट एम और एक्स के साथ में उसको एक्स और ए के साथ में ले लो तो ये सीधा का सीधा अपना किस में बिलोंग करने लग जाएगा, एम जेड में। देखो एम तो फिक्स है और ये एलिमेंट जो भी है वो जेड का है, बोल देंगे क्योंकि फॉर ऑल एक एलिमेंट के लिए हो गया, वैसे ही प्रत्येक एलिमेंट के लिए ए एलिमेंट रिंग का है और एम एक्स एलिमेंट अपना नॉन एम्प्टी सेट एम जेड का है। और आपने ये बता दिया ए एम एक्स भी एम जेड में बता दिया एंड एम एक्स को आगे किया और ए को पीछे, उसको भी आपने एम जेड में बता दिया, ए एम एक्स को भी एम जेड में बता दिया और एम एक्स ए को भी एम जेड में बता दिया, इसलिए एम जेड MZ is an ideal of Z. Z की आइडियल है भाई MZ की, आगे से ध्यान रखना। MZ का मतलब होता है 2Z, 3Z, 4Z, सारी की सारी Z की आइडियल होती है। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप राइट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद में अपने कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आसान से क्वेश्चन है अगर आप कंटिन्यू पढ़ते हो तो, वरना तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी आपको। तो जब भी आपको लेक्चर्स मिलते हैं इनके नोट्स बनाते जाना कंटिन्यूसली। चले आगे, एक एग्जांपल और अपने को दे रखा है यहाँ पे, दे रखा है कि भाई क्यों प्लस डॉट एक वाला है, जेड पूर्णांकों का समुच्चय है, तो जेड न तो लाइट कुंजावली होता है न ही लेफ्ट कुंजावली होता है। चलो करेंगे इसके लिए भी, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों आप चैनल को। कंटिन्यू करते हैं, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं अपन। क्या देखते हैं कि अपने को एक तो वलय दी गई है पूर्ण जो परिमेय संख्याओं की वलय है क्यू प्लस डॉट है, यदि क्यू प्लस डॉट है परिमेय संख्याओं की एक वलय है क्यू प्लस डॉट परिमेय संख्याओं की एक वलय है तथा जेड पूर्णांकों का एक समुच्चय है, जेड पूर्णांकों का एक समुच्चय है, सेट ऑफ इंटीजर्स इसको बोला जाता है,
जेड पूर्णांकों का एक समुच्चय है। तब सिद्ध करो कि जेड है वो क्यू की न तो लेफ्ट आइडियल है न राइट आइडियल है। देन प्रूव जेड वलय क्यू की न तो वाम गुंजावली है न तो वाम गुंजावली है तथा न ही दक्षिण गुंजावली है, न तो लेफ्ट आइडियल है और न ही राइट आइडियल है। चलो भाई बताते हैं सॉल्यूशन पार्ट में। दोस्तों अपन चले कि तो अपने को एक वलय दी गई है, वलय तो क्या दी गई है, क्यू प्लस डॉट गिवन दैट परिमेय संख्याओं की वलय क्यू प्लस डॉट। अपन जानते हैं कि जो भी अपने पूर्णांक होते हैं सारे के सारे परिमेय संख्याओं के सबसेट होते हैं, तथा जेड प्लस होता है जेड प्लस क्यू प्लस का क्या है, सब ग्रुप है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे सब ग्रुप का मतलब यह है कि आपको पता है क्यू प्लस डॉट वाले होता है वो क्यू है वो प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है। अब क्यू में से इंटीजर्स को उठाया और आपने सेट बना दिया, और जेड प्लस होता है वो एक अपना ग्रुप होता है, तो जेड प्लस क्यू प्लस का क्या हो गया, सब ग्रुप। तो सब ग्रुप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब आप क्या करोगे दोस्तों कि एक बार आप लेफ्ट आइडियल चेक कर लो और एक बार राइट आइडियल। तो एक बार अपन लेफ्ट आइडियल चेक करें, और पता है लेफ्ट आइडियल में क्या होता है कि आप रिंग का एक एलिमेंट उठाओगे, तो रिंग तो अपनी परिमेय संख्याओं की है, तो जैसे आपने 2/3 आपने एक परिमेय संख्या उठा ली। एक इंटीजर उठाओगे, इंटीजर जैसे आपने 7 आपने इंटीजर उठा लिया। अब आप क्या करो कि रिंग, ये रिंग है, रिंग का एलिमेंट लेफ्ट साइड में इनटू जेड है, ठीक है, और बताओ ये अपना जेड में आया क्या, जो नॉन एम्प्टी सेट जेड है उसमें एक बिलोंग नहीं कर रहा है। अब ये रिंग का एलिमेंट लेफ्ट साइड में है और ये जेड में नहीं बिलोंग कर रहा है, तो मैं बोल दूंगा इसलिए जेड इज नॉट लेफ्ट आइडियल ऑफ ए क्यू, जेड है वो क्योंकि लेफ्ट आइडियल नहीं है। दोस्तों इसी प्रकार अपन अगर राइट आइडियल की बात करेंगे, अगर राइट आइडियल की बात करेंगे तो उसमें क्या करेंगे भाई, रिंग का एलिमेंट राइट साइड में लगाना है। नाउ आप क्या करो, वही 2/3 एलिमेंट आपने रिंग का ले लिया और 7 एलिमेंट आपने इंटीजर ले लिया। अब 7 इंटू ये रिंग का एलिमेंट है 2/3 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि 14/3 में बनेगा, ये तो इंटीजर नहीं होता है, तो बोल देंगे जेड इज नॉट आल्सो राइट आइडियल ऑफ क्यू। तो जेड न तो लेफ्ट आइडियल है न राइट आइडियल है। याद रखना दोस्तों कि अगर आपके दिमाग में आए कि सर यहाँ अपन 7 की जगह 3 ले ले, तो 2/3 को 3 से गुणा करने से तो इंटीजर में आ जाएगा, वही 2/3 को 3 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, वो इंटीजर में आएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना कि इसमें ये जो आप रिंग का एलिमेंट उठाते हो वो भी 4 होल होता है प्रत्येक एलिमेंट के लिए, और जो आप सेट का एलिमेंट उठाते हो वो भी 4 होल होता है। अगर प्रत्येक एलिमेंट के लिए कंडीशन लागू होती है तभी अपन चेक करेंगे, और जैसे अगर एक भी एलिमेंट के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट है वो जेड में नहीं आ रहा है तो अपन बोल देंगे न तो लेफ्ट आइडियल है न राइट आइडियल है। तो एक बार आप इसको कीजिए एग्जाम्पल को, कुछ और क्वेश्चंस और एग्जांपल्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद में थ्योरम से करेंगे कंटिन्यू। कीजिए आप इसको,
चले आगे। चलो वलय समाकारिता की अष्टी के ऊपर एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अपने को दो वलय दी गई हैं, आर और आर डैश, और एक प्रतिचित्रण परिभाषित करके दिया है, वो वलय समाकारिता है। तो बताना है कि जो समाकारिता की अष्टी होता है उसको एक गुंजावली बताना है आर की। अब दोस्तों याद करना कि समाकारिता की अष्टी अपनी समाकारिता में पढ़ा था, और समाकारिता की अष्टी होती है जो हमेशा उसके डोमेन का सबसेट होती है, और समाकारिता की अष्टी को वहाँ पे मैंने सब ग्रुप में सिद्ध किया था, सब ग्रुप भी सिद्ध किया था और नॉर्मल सब ग्रुप भी सिद्ध किया था जब मैं नॉर्मल सब ग्रुप का चैप्टर आपको पढ़ा रहा था। तो आप देख लेना, नॉर्मल सब ग्रुप वाले चैप्टर में आपको थ्योरम मिलेगी जिसके अंदर ये बता रखा है कि जो समाकारिता की अष्टी होती है वो ग्रुप का क्या होती है, नॉर्मल सब ग्रुप होती है। चलो यहाँ जो भी थ्योरम है वो अपन डिस्कस करते हैं। चलो थ्योरम देखना, यदि R व R डैश दो वलय हैं, R और R डैश दो वलय हैं, तथा F वलय R से वलय आर से वलय आर डैश में, भाई आर और आर डैश दो वलय हैं, आर और आर डैश दो वलय हैं तथा एफ है वो वलय आर से आर डैश में वलय समाकारिता है, वलय समाकारिता है, तब सिद्ध करो कि इस समाकारिता की अष्टी, कौन सी समाकारिता, वलय समाकारिता, तब सिद्ध करो कि समाकारिता की अष्टी, और समाकारिता की अष्टी को अपन के से दर्शा रखें, तब सिद्ध करो कि समाकारिता की अष्टी जो के है, के वो आर की क्या होती है, के वलय आर की गुंजावली होती है। अरे भाई जिसका सबसेट होगा उसी की गुंजावली बनेगी, क्योंकि गुंजावली होती है वो वलय का सबसेट होती है। गुंजावली बनने से पहले सबसेट होता है, और अपने को पता है जब भी अष्टी की बात करते हैं तो अष्टी वही आर एफ है, वो आर से आर डैस के अंदर वलय समाकारिता है। तो जो भी अष्टी होता है जिसको कर्नेल से दर्शाते हैं वो इस डोमेन का सबसेट होती है, आर का सबसेट होती है अष्टी, तो आर का सबसेट होती है तो ये गुंजावली बनेगी। तो कौन सी रिंग की बनेगी, आर वाली रिंग की ये गुंजावली बनेगी। चलो ठीक है, एक बार स्टेटमेंट को तो आप कीजिए, फिर इसके प्रूफ पार्ट के ऊपर भी अपन चलेंगे। चले चलो लिख देते अपन थोड़ा सा। अच्छा अष्टी वगैरह की परिभाषा तो याद होगी आपको, फिर भी मैं लिख दूंगा। दिया गया है कि आर व आर डैश दो वलय हैं तथा एफ है वो आर से आर डैश में, एफ है वो आर से आर डैश में, बताओ क्या है, वलय समाकारिता है, में वलय समाकारिता है। एफ जो है वो आर सी आर डैश में क्या है, वलय समाकारिता है। अब समाकारिता की अष्टी को के मान लो आप, माना
फलय समाकारिता माना वलय समाकारिता ऐप की अष्टि के है, माना वलय समाकारिता ऐप की अष्टि क्या है, के है। देन अष्टि की परिभाषा, कर्णेल अष्टि को कर्णेल से दर्शाते हैं। कर्णेल में जो भी एलिमेंट है, जैसे मान लो कर्णेल में एक्स एलिमेंट आ रहा है, तो जो एक्स एलिमेंट होता है वो डोमेन का होता है, एक्स एलिमेंट कैपिटल आर का होता है, इस प्रकार होता है सच दैट कि एक्स के ऊपर एफ अप्लाई करते हो तो कितना आता है, जीरो डैश। एक्स के ऊपर अगर एफ अप्लाई करते हो तो जीरो डैश आता है। और ध्यान रखना दोस्तों कि जीरो तो है वो आर का योज्य तत्समक अवयव है, और जीरो डैश है वो किसका योज्य तत्समक अवयव है, आर डैश का योज्य तत्समक अवयव है। हियर जीरो डैश बिलोंग्स टू आर डैश का एडिटिव आइडेंटिटी है, योज्य तत्समक अवयव है। क्या है, योज्य तत्समक अवयव है। नाउ अच्छा, या फिर आप एक काम कीजिए कि अब अपन अपना चालू करते हैं। अच्छा, अष्टी में सारे के सारे जो एलिमेंट आ रहे हो आर के आ रहे हैं, तो आर का सबसेट तो लिख ही देंगे, इसलिए जो भी कर्नेल होती है वो किसका सबसेट होती है, वलय आर का सबसेट होती है। अपने को बताना है आइडियल, गुंजावली बताना है। गुंजावली के लिए सबसे पहले तो ये बताना है कि कर्नेल है वो प्लस के लिए अपना आर प्लस का क्या होती है, सब ग्रुप होती है। सब ग्रुप बताने के लिए आपको सब ग्रुप टेस्ट लगाना पड़ेगा। सब ग्रुप टेस्ट लगाने के लिए आपको कर्नेल के दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे। अब कर्नेल के दो एलिमेंट माने तो लेट एक्स और वाई दो एलिमेंट किसके हैं, कर्नेल के। या फिर इस चीज़ को अपन ऐसे लिखें कि एक्स एलिमेंट भी कर्नेल का है और वाई एलिमेंट भी किसका है, कर्नेल का है। अब एक्स और वाई कर्नेल के हैं, और अपने को पता है कि अपने को प्लस संक्रिय के लिए सब ग्रुप बताना है, तो लास्ट में अपने को ये सिद्ध करना है कि एक्स माइनस वाई भी किस में होगा, कर्नेल में। एक्स और वाई आपने कर्नेल के दो एलिमेंट ले लिए, तो आपको एक्स माइनस वाई कर्नेल में दिखाना है। अब एक्स माइनस वाई कर्नेल में दिखाना है, अच्छा कर्नेल में कोई भी एलिमेंट आता है तो वो कब आता है, जैसे एक्स एलिमेंट कर्नेल में कब आ रहा है, जब एफ एक्स बराबर कितना हो रहा है, जीरो डैश। तो आपको एक्स माइनस वाई को कर्नेल में बताना है। अब एक्स माइनस वाई को एल्फा मान लो, तो एफ एल्फा करो जीरो डैश, कैसे भी करके आप ये बता दो। अब अगर एफ एक्स माइनस वाई बराबर जीरो डैश अगर आप सिद्ध कर देते हो, तो ऑटोमेटिक जो एक्स माइनस वाई एलिमेंट है वो किस में चला जाएगा, कर्नेल में। यहाँ देखो एफ एक्स बराबर जीरो डैश है तो एक्स एलिमेंट किस में चला गया, कर्नेल में। एफ एल्फा बराबर जीरो डैश हो जाए तो एल्फा एलिमेंट ऑटोमेटिक कर्नेल में चला जाएगा। तो आपको ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करने के लिए आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा। ओके, मतलब एफ एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नाउ एफ एक्स माइनस वाई, दोस्तों इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, यानी एफ एक्स प्लस माइनस वाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब एफ है वो अपनी वलय समाकारिता है, एफ है वो वलय समाकारिता है। वलय समाकारिता का मतलब वो योग के लिए भी समाकारिता है और गुणा के लिए भी समाकारिता है। वलय समाकारिता है तो अब योग के लिए समाकारिता का मतलब एफ को दोनों के साथ में ले जाओ। अच्छा एक चीज़ और देख लो दोस्तों, साथ ही में एक्स और वाई आपने कर्नेल के एलिमेंट माने थे, और कर्नेल का तो प्रत्येक एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है एफ एक्स बराबर जीरो डैश को, तो आप लिखोगे एफ एक्स बराबर जीरो डैश, और वाई एलिमेंट भी कर्नेल का है तो वाई एलिमेंट के लिए लिख देंगे एफ वाई बराबर जीरो डैश। ओके अच्छा, यहाँ से वलय समाकारिता, तो एफ को इसके साथ में लेके आए और एफ को माइनस वाई के साथ में ले आए, क्यों, चूँकि एफ इज रिंग होमोमोर्फिज्म। अगर वलय समाकारिता नहीं होगी तो दोस्तों कभी भी इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं। अच्छा ये बना एफ एक्स, माइनस बार आ जाता है, ये बना एफ वाई, एफ एक्स का मान कितना है जीरो डैश, और ये भी कितना है जीरो डैश, तो ये हो गया जीरो डैश। कुल मिला के ऐसा हो गया एफ एक्स माइनस वाई बराबर जीरो डैश। अब जिस भी एलिमेंट के ऊपर एफ लगाने से जीरो डैश आ जाता है, वो एलिमेंट ऑटोमेटिक किस में चला जाता है, कर्नेल में।
जिस भी एलिमेंट के ऊपर एफ लगाने से जीरो डैश आ जाता है वो एलिमेंट ऑटोमेटिक कर्नेल में चला जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने एक्स एलिमेंट कर्नेल का माना था, वाई एलिमेंट भी मैंने कर्नेल का माना था, और एक्स माइनस वाई को मैंने किस में बता दिया, कर्नेल में बता दिया। इसलिए जो कर्नेल प्लस के प्लस है वो आर प्लस का, बताओ क्या है, आर प्लस का सब ग्रुप है। भाई आइडियल बताने के लिए पहले सब ग्रुप बताना पड़ता है, तो कर्नेल प्लस संक्रिया के लिए अपनी आर प्लस का सब ग्रुप बनाता है। और अब सेकंड वाला इसका पार्ट करेंगे, इसको तो कीजिए आप, इसमें कोई भी डाउट है तो आप बताइए। फिर अपन आगे चलते हैं। साथ के साथ आप पढ़ते भी जाना और इनको अपनी जो मेन कॉपी है नोट्स वहाँ लिखते जाना। करें स्टार्ट इसके आगे। अब दोस्तों अपन ने ये सब ग्रुप वाला तो बता दिया, अब लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल और बताएंगे। तो उसमें क्या करना होता है कि एक एलिमेंट तो आप रिंग का उठाते हैं तो आर का उठाएंगे, और जो भी अपना नॉन एम्प्टी सेट दिया है एक एलिमेंट उसका उठाएंगे, देखना। और ये भी साथ में ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि एफ ऑफ जीरो बराबर जीरो डैश होता है, इसका मतलब जीरो एलिमेंट किस में चला जाएगा, कर्नेल में चला जाएगा। एफ ऑफ जीरो बराबर जीरो डैश होता है तो जीरो एलिमेंट कर्नेल में चला गया, इसका मतलब जो कर्नेल हुआ उसमें एक एलिमेंट आ गया तो कर्नेल हो गया, वो क्या हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है कि एफ ऑफ जीरो बराबर जीरो डैश होता है, और जीरो क्या है, जीरो है वो आर का योज्य तत्समक अवयव है, और जो जीरो डैश है वो अपना आर डैश का योज्य तत्समक अवयव है। तो एफ ऑफ जीरो बराबर जीरो डैश, जिस भी एलिमेंट के ऊपर एफ ऑपरेट होने से जीरो डैश आता है वो एलिमेंट कर्नेल में चला जाता है ऑटोमेटिक, तो जीरो एलिमेंट कर्नेल में चला गया, तो कर्नेल में कम से कम एक एलिमेंट आ गया, तो कर्नेल क्या हो गया, नॉन एम्प्टी। आप एक एलिमेंट तो रिंग का मानो, आपने आर एलिमेंट तो रिंग का माना और एक्स एलिमेंट आपने कर्नेल का मान लिया, ठीक है। अब आपको देखो, एक बार तो रिंग का एलिमेंट तो लेफ्ट साइड में और नॉन एम्प्टी सेट का एलिमेंट राइट साइड में, एक बार तो आर डॉट एक्स को के में दिखाना है, एक तो ये सिद्धांत है, एक बार एक्स डॉट आर को किस में दिखाना है, के में दिखाना है। जैसे इसकी बात करिए, आर डॉट एक्स को के में कब दिखाओगे, जब एफ आर डॉट एक्स बराबर जीरो डैश, अगर ये सिद्ध कर दोगे ना आप एफ आर डॉट एक्स बराबर जीरो डैश, तो ऑटोमेटिक आर डॉट एक्स अपना किस में चला जाएगा, कर्नेल में चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो नाउ एफ आर डॉट एक्स, एफ अपने को वलय समाकारिता दिया है, इसका मतलब योग के लिए भी समाकारिता और गुणा के लिए भी समाकारिता है, तो गुणा के लिए समाकारिता लगाए तो एफ आर, एफ को दोनों के साथ में ले जाओ एफ एक्स, ये बना एफ आर। अब देखो एक्स एलिमेंट कर्नेल का है तो एफ एक्स का मान ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, जीरो डैश हो जाएगा, तो ये बन गया जीरो डैश। तो यहाँ से आपने एफ आर डॉट एक्स बराबर जीरो डैश बता दिया, तो ऑटोमेटिक आर डॉट एक्स एलिमेंट किस में चला जाएगा, कर्नेल में। दोस्तों जिस भी एलिमेंट के ऊपर एफ एफ लाई होने से जीरो डैश बनता है वो एलिमेंट किसका होता है, कर्नेल का होता है। तो आर डॉट एक्स के ऊपर एफ एफ लाई बनने से जीरो डैश बना, तो आर डॉट एक्स कर्नेल का। सिमिलर तो इसमें तो रिंग का एलिमेंट लेफ्ट साइड में है, अब की बार रिंग का एलिमेंट राइट साइड में लो, वापस अपनी वलय समाकारिता लगाओ तो एफ को दोनों के साथ में ले जाओ एफ आर, और एफ एक्स का मान होता है जीरो डैश इंटू एफ आर, और ये बन गया जीरो डैश। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स डॉट आर है वो किस में चला गया, कर्नेल में। एफ एक्स डॉट आर बराबर जीरो डैश, तो एक्स डॉट आर कर्नेल में। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि एक्स एलिमेंट तो आपने जो लिया था वो कर्नेल का लिया था,
आर एलिमेंट लिया था वो रिंग का लिया था, और आपने आर डॉट एक्स है वो भी कर्नेल में बता दिया, एंड एक्स डॉट आर है वो भी कर्नेल में बता दिया। और ये तो आपको बताना होता है, इसका मतलब हो गया कि अपना सब ग्रुप भी हो गया, और ये वाली तो रिंग का एलिमेंट लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट आइडियल हो गया, या रिंग का एलिमेंट राइट साइड में है तो राइट आइडियल हो गया। कीजिए आप इसको, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर अपन कुछ आगे बढ़ते हैं। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 आप कर लेना, इनमें कोई प्रॉब्लम आई तो बताना। एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 पेज नंबर 250 पे एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 मिलेंगे, वो आपको करने हैं दोस्तों, आसान से हैं। अब थ्योरम्स के ऊपर चलते हैं। अपन लिख रखा है किसी वाले आर की दो गुंजावलियों का इंटरसेक्शन भी एक गुंजावली होता है। चलो भाई इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सबसे पहले तो आप इसको उतारिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। चले ओके, चलो इम्पोर्टेंट थ्योरम है भाई, शायद आई हुई है 2018 में, देख लेना। सिद्ध करो कि किसी वलय की दो गुंजावलियों का सर्वनिष्ठ सिद्ध करो कि किसी वलय की दो गुंजावलियों का सर्वनिष्ठ भी उसी वलय की एक गुंजावली होता है। तो दो गुंजावलियों के इंटरसेक्शन में क्या होता है, एक गुंजावली होता है, या फिर सर्वनिष्ठ की जगह वो प्रतिछेदन भी दे सकता है। वही बात हो गई भाई, प्रतिच्छेद करेंगी, मान लो दो सेट एक दूसरे को काटते हैं तभी तो इंटरसेक्ट कहलाते हैं, तो सर्वनिष्ठ की जगह आपको प्रतिच्छेदन वर्ड भी दे सकता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। प्रतिच्छेदन का मतलब यह है कि जब दो सेट एक दूसरे को काटेंगे तभी तो इनके इंटरसेक्शन की बात करेंगे अपन। तो सिद्ध करो कि किसी वलय की दो गुंजावलियों का इंटरसेक्शन भी उसी वलय की एक गुंजावली होता है। तो इस थ्योरम में अपन क्या करेंगे कि एक तो अपन वलय लेके चलेंगे और उस वलय की दो गुंजावलियाँ लेके चलेंगे। मान लो वलय अपन कैपिटल आर लेके चलते हैं और इसकी दो गुंजावलियाँ I1 और I2 लेके चलते हैं, तो अपने को बताना है कि जो I1 इंटरसेक्शन I2 होता है, जो I1 इंटरसेक्शन I2 होता है, वो भी वलय आर की क्या होता है, एक गुंजावली होता है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। सबसे पहले तो क्या दिया है, क्या लाना है, उसके बाद में डिस्कस करते हैं। प्रूफ यहीं से चालू है। माना कि कैपिटल आर एक वलय है, माना कि कैपिटल आर एक वलय है तथा I1 व I2
इसकी दो गुंजावलियाँ हैं। माना कि भाई कैपिटल आर इक्वल है तथा आई वन और आई टू इसकी क्या है, दो गुंजावलियाँ हैं। तब हमें क्या सिद्ध करना है कि आई वन इंटरसेक्शन आई टू, तब हमें ये सिद्ध करना है कि आई वन इंटरसेक्शन आई टू भी वलय आर की गुंजावली होगी। तब हमें यह सिद्ध करना है कि आई वन इंटरसेक्शन आई टू भी वलय आर की क्या होगी, गुंजावली होगी। चलो ठीक है। अब मेन चीज़ यह है कि दोस्तों कि जैसे आई वन है वो आर की एक गुंजावली है, आई वन आर की क्या है, गुंजावली है। इसका मतलब गुंजावली बनने से पहले वो क्या था, आई वन प्लस है वो आर प्लस का सब ग्रुप था। दूसरा यह है कि आई टू भी आर की गुंजावली है, इसका मतलब आई टू प्लस भी आर का आर प्लस का क्या है, सब ग्रुप है। अब आई वन प्लस भी आर प्लस का सब ग्रुप है, आई टू प्लस भी आर प्लस का सब ग्रुप है। अपन जानते हैं दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है, इसका मतलब आई वन और इंटरसेक्शन आई टू है वो भी प्लस संक्रिया के साथ में आर प्लस का क्या बनाएगा, सब ग्रुप बनाएगा। तो सब ग्रुप तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, देखो दो चीज़ें बतानी होती हैं जब भी अपन आइडियल की बात करते हैं। सबसे पहले तो अपन सब ग्रुप बताते हैं, उसके बाद में अपन लेफ्ट और राइट आइडियल की बात करते हैं। लिखूंगा चूंकि आई वन आर की गुंजावली है, आई वन आर की गुंजावली है, अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि आई वन प्लस इसका मतलब यह हुआ आई वन प्लस आर प्लस का सब ग्रुप है। भाई आई वन आर की गुंजावली है, इसका मतलब आई वन प्लस आर प्लस का सब ग्रुप है। इसी प्रकार आई टू भी आर की गुंजावली है, इसी प्रकार आई टू भी क्या है, आर की गुंजावली है, गुंजावली है अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि I2 प्लस है वो भी R प्लस का, बताओ क्या है, R प्लस का सब ग्रुप है। इसका मतलब ये तो ग्रुप, इस ग्रुप का एक सब ग्रुप तो ये, इस ग्रुप का ये एक सब ग्रुप, ये बताओ ये सब ग्रुप, इन दोनों सब ग्रुप का इंटरसेक्शन क्या होता है, कि सब ग्रुप होता है। लिख देता हूँ, हम जानते हैं कि किसी ग्रुप के दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन सब ग्रुप का भी उस ग्रुप का सब ग्रुप होता है, अरे अपन जानते हैं कि ग्रुप जी है और उसके दो सब ग्रुप H1 और H2 हैं, तो H1 इंटरसेक्शन H2 भी ग्रुप जी का क्या होता है, सब ग्रुप होता है। तो ये ग्रुप इस ग्रुप का एक सब ग्रुप तो ये, इस ग्रुप का एक सब ग्रुप ये, इसका मतलब ये सब ग्रुप इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी इस ग्रुप का क्या बन जाएगा, सब ग्रुप है। अतः है आई वन इंटरसेक्शन आई टू, और वो भी कौन सी संक्रिया के साथ में, अतः आई वन इंटरसेक्शन आई टू प्लस से आर प्लस का बताओ क्या बन गया, सब ग्रुप है। ये तो अपनी सब ग्रुप वाली बात हो गई, चलो इसमें कोई डाउट नहीं है, सब ग्रुप का तो अपन ने लिख लिया। दूसरा दोस्तों अपन लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल बताना होता है अपने को। दूसरा क्या बताना होता है अपने को, लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल, उसके बारे में अपन बात कर लेंगे। इसको कीजिए आप, फिर कुछ आगे बढ़ेंगे अपन।
करें स्टार्ट। अब लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल जब भी बताते हैं उसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक एलिमेंट तो रिंग का लेते हैं, रिंग तो अपनी क्या है, आर रिंग है, एक एलिमेंट उसका ले लेंगे और एक एलिमेंट जिस सेट को अपने को आइडियल बताना है उस सेट का लेते हैं। तो दूसरा एलिमेंट किसका लेंगे अपन, एक आइडियल, एक एलिमेंट तो रिंग का ले लेंगे और एक एलिमेंट इसका ले लेंगे। तो देखना एक बार मैं क्या करता हूँ कि ए जो एलिमेंट है वो तो ले लेता हूँ आई वन इंटरसेक्शन आई टू का, आई वन इंटरसेक्शन आई टू का एक एलिमेंट, और आर एलिमेंट में ले लेता हूँ रिंग का। अब देखो चूंकि ए जो एलिमेंट है आपने लिया है आई वन इंटरसेक्शन आई टू का जो एलिमेंट लिया है, इसका मतलब यह है कि ए एलिमेंट आई वन में भी है, ए एलिमेंट आई वन में भी है एंड ए एलिमेंट आई टू में है। भाई जो एलिमेंट दोनों में होगा तभी तो इंटरसेक्शन में गया है। अब देखो चूंकि आई वन आर की बताओ क्या है, आइडियल है, अतः जो I1 है वो R की आइडियल है, आइडियल है तो फोर ऑल R एलिमेंट तो रिंग का, R एलिमेंट रिंग का, और I1 का एलिमेंट क्या हो गया, A एलिमेंट, A एलिमेंट I1 का, और I1 आइडियल है, आइडियल है इसका मतलब लेफ्ट आइडियल भी है राइट आइडियल भी है। तो एक बार लेफ्ट साइड में रिंग का एलिमेंट R डॉट A है वो भी I1 में है एंड जो ए डॉट आर है ये तो लेफ्ट आइडियल, ये राइट आइडियल वो भी किस में है, आई वन में है। इसको डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर वन, आई वन आइडियल है, आइडियल के हिसाब से कर लिया। बट दोस्तों एक चीज़ आप फोकस करो कि आई टू भी तो आइडियल है आर की, लिखूँगा आई टू, आई टू भी वले आर की आइडियल है, वले आर की आइडियल है, फॉर ऑल वलय का एलिमेंट आर एलिमेंट रिंग का और आई टू का एलिमेंट, अच्छा आई टू का एलिमेंट क्या है, ए एलिमेंट आई टू का, इसका मतलब एक बार तो रिंग का एलिमेंट लेफ्ट साइड में वो भी आई टू में एंड एक बार रिंग का एलिमेंट राइट साइड में वो भी आई टू में, ये लेफ्ट आइडियल हो गई, ये राइट आइडियल हो गई। अब देखो बाई इक्वेशन वन एंड टू, बाय इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन तो ये बोलता है आर डॉट ए आई वन में है, आर डॉट ए है वो आई वन में है, और ये बोलता है आर डॉट ए आई टू में है, आर डॉट ए आई टू में है। अब दोस्तों ये जो एलिमेंट है आर डॉट ए वो आई वन में भी है आई टू में भी है, इसका मतलब है आई वन इंटरसेक्शन आई टू में भी होगा, तो आर डॉट ए बना वो आई वन इंटरसेक्शन आई टू में है। सिमिलर इस एलिमेंट की बात करें, ए डॉट आर आई वन में भी है, ए डॉट आर आई टू में भी है, ए डॉट आर है वो आई वन में है और ए डॉट आर है वो आई टू में है, इसका मतलब ये है कि ए डॉट आर है वो आई वन इंटरसेक्शन है आई टू में भी होगा। भाई आई वन में भी आई टू में भी है तो आई वन इंटरसेक्शन आई टू में भी होगा। तो ये लास्ट पोर्शन है जो आपने को यहाँ लिखना है, इसका मतलब दोस्तों अपना ये हुआ कि आपने ए एलिमेंट आई वन इंटरसेक्शन आई टू का लिया था, ए एलिमेंट आपने आई वन इंटरसेक्शन आई टू का लिया था और आर एलिमेंट था वो किसका था, ए एलिमेंट आपने आई वन इंटरसेक्शन आई टू का लिया था, आर एलिमेंट आपने रिंग का लिया था और आपने बता क्या दिया, ये आर डॉट, आर डॉट ए मतलब रिंग का एलिमेंट लेफ्ट साइड में डॉट ए, इसको आपने I1 इंटरसेक्शन I2 में बता दिया एंड एक बार अपना ये सेट का एलिमेंट आपने लेफ्ट साइड में और रिंग का एलिमेंट राइट साइड में, इसको भी आपने क्या बता दिया, I1 इंटरसेक्शन I2 में। देखो R डॉट A तो ये रहा और A डॉट R ये रहा, और बताओ यही तो अपने को बताना है, एक बार रिंग का एलिमेंट लेफ्ट साइड में होना चाहिए वो लेफ्ट आइडियल हो गया, एक बार रिंग का एलिमेंट राइट साइड में होना चाहिए वो राइट आइडियल हो गया, अतः आई वन इंटरसेक्शन आई टू वले आर की गुंजावली है, वले आर की गुंजावली है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि कोई वले आर ले रहे हैं
तो उसकी दो गुंजावलियों का इंटरसेक्शन भी हमेशा उस वलय आर की क्या होता है, गुंजावली। कीजिए आप इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है और आप देख लेना 2018 में आया हुआ है तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन जाता है ये। करो आप इसको, और इस प्रमेय में ऐसे भी लिखे आ सकता है कि किसी वलय की या तो दो वाम दे दे, मान लो दो वाम ऐसे आ जाए कि किसी वलय की दो वाम गुंजावलियों का इंटरसेक्शन भी उस वलय आर की वाम गुंजावली होता है, तो आसान है वो भी। उसमें क्या करेंगे अपन कि I1 और I2 को वाम गुंजावलियाँ ले लेंगे और I1 इंटरसेक्शन I2 को वाम गुंजावली बता देंगे। तो केवल वाम गुंजावली का क्वेश्चन आए तो फिर आपको क्या नहीं करना है, आपको ये वाला चीज़ नहीं लिखना है, भाई ये वाम गुंजावली हो गई ये नहीं लिखना है, और ये भी वाम गुंजावली होगी तो ये नहीं लिखना है। तो फिर लिख दूंगा आर डॉट ए आई वन में भी है, आर डॉट ए आई टू में भी है, तो आर डॉट ए आई वन इंटरसेक्शन आई टू में है, इसका मतलब आई वन इंटरसेक्शन आई टू बन गई, वो क्या बन गई, वाम गुंजावली। ऐसे ही अगर क्वेश्चन आता है कि किसी वलय कैपिटल आर की दो दक्षिण गुंजावलियों का इंटरसेक्शन भी वलय आर की गुंजावली होता है, तो उसमें भी फिर ऐसा ही है, दक्षिण में ये हट जाएगा, केवल इतना सा लिखेंगे, ये हट जाएगा ये लिखेंगे, तो फिर अपना ये वाला आ जाएगा। तो थ्योरम के साथ में इसमें थोड़ा सा ये देखना है आपको कि चाहे आपको ये पूछ ले कि किसी वलय आर की दो गुंजावलियों का इंटरसेक्शन भी गुंजावली होता है, यही करना है, किसी वलय आर की दो गुंजावलियों का प्रतिछेदन भी गुंजावली होता है, इंटरसेक्शन के साथ में मैंने प्रतिछेदन भी लिखा है तो भी करना है, या इसी क्वेश्चन में ये तो गुंजावली क्यों होगी, मान लो वो केवल वाम गुंजावली की बात कर लेता है कि दो वाम गुंजावलियों का इंटरसेक्शन भी वाम गुंजावली होता है, फिर आप क्या करोगे, वलय आर की आई वन और आई टू दो वाम गुंजावलियाँ लेंगे और उनके इंटरसेक्शन को वाम गुंजावली बता देंगे, वाम गुंजावली लेंगे उसमें केवल इतना सा लिखना है, ये नहीं लिखना है फिर, और ये लिखना है ये नहीं लिखना है, और दक्षिण गुंजावली लेंगे, अगर ऐसे बोले कि दो दक्षिण गुंजावलियों का इंटरसेक्शन भी एक दक्षिण गुंजावली होता है तो अपन आई वन आई टू दो दक्षिण गुंजावली लेंगे, फिर इसको हटा देंगे ये दक्षिण गुंजावली की परिभाषा हो गई, इसको हटा देंगे ये दक्षिण गुंजावली की परिभाषा हो गई, तो किसी प्रकार से कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, तो अपन वहाँ पे कर देंगे। इसी के साथ में अपन इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं, आप वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।